वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको न्यूटन की गति के तृतीय नियम पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पिछली कक्षा में आपके न्यूटन की गति का प्रथम नियम और द्वितीय नियम समझा चुका हूँ। आज मैं तृतीय नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। न्यूटन ने तृतीय नियम के अकॉर्डिंग यह बताया कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत अच्छा सा है। जैसे आप किसी को एक फुआका मारे खींच के, आप तो मार दिए एक फुआ खींच के, लेकिन छोटा बच्चा वो चल गया, लेकिन आपके बराबर का हुआ। जितनी तेज से आप मारोगे एक फुआ का, तो उसकी प्रतिक्रिया वो आपको जरूर देगा। न्यूटन ने यही बताया है कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। सर आइजक न्यूटन ने यही बताया कि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। एग्जाम्पल, नाविक द्वारा नाव को खींचना। न्यूटन के तृतीय नियम का गणितीय व्यंजक, गणितीय व्यंजक वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस है। क्या बेटा, ये देखिए आप, बस अपन आते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। बेटा यही तो है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यही न्यूटन का गति के तृतीय नियम का गणितीय व्यंजक है। इसको सॉल्व करना है तो आपकी क्लास 9th और 10th में बहुत बार पूछा है और पूछेगा, पूछता रहेगा बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ इसको पढ़ के जाना एग्जाम देने से पहले। जहाँ भी मीन्स होता है बेटा अंतिम वेग। भी मीन्स क्या होता है बेटा, आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ा चुका हूँ। भी मीन्स होता है बेटा अंतिम वेग, अंतिम वेग। भी मीन्स होता है बेटा अंतिम वेग। यू मीन्स होता है बेटा प्रारंभिक वेग। यू मीन्स होता है प्रारंभिक वेग। क्या बेटा, प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और ए, ए मीन्स होता है बेटा त्वरण। ए मीन्स होता है त्वरण। टी मीन्स होता है समय। टी मीन्स होता है समय। ए मीन्स होता है विस्थापन। क्या बेटा, एस मीन्स विस्थापन, विस्थापन। इतना तो आपको हम पिछली कक्षा में भी पढ़ा चुके हैं, भी यू ए टी एस, ये तो आपको बनता ही होगा ऑलरेडी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, इतने को आप, इसको हमको प्रूफ करना बेटा। मेन चीज हमको है ये कहाँ से आती है, किस नियम से हम लगाएं कि ये हमको आखिरी में मिल जाए। तो बेटा हम बता रहे हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से। किससे बेटा, द्वितीय नियम से। किससे बेटा, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम क्या है बेटा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर आप फर्स्ट मान लो बेटा। अब यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ बता रहे हैं। द्वितीय नियम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इतना आपको पल्ले पड़ गया हो, यानी मीन समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ द्वितीय नियम, समीकरण नंबर एक। अब प्रथम नियम, प्रथम नियम से, प्रथम नियम से, प्रथम नियम से। प्रथम नियम क्या है बेटा, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी बराबर यू प्लस ए टी। इसको समीकरण नंबर दो मान लीजिए बेटा। अगर हम भी है, प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, गुणा में ए है तो भाग में जाएगा, बराबर टी। इसको समीकरण नंबर तीन मान लीजिए। अब जो समीकरण तीन का मान है, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण, समीकरण तीन का मान, मान समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या बेटा, समीकरण एक में पटकने पर, रखने पर बेटा, रखने पर, समीकरण तीन का मान समीकरण एक में रखने पर, पटकने पर ना लिख देना बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है। बस एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्या बेटा लिखा है, एस, एस बराबर यू टी, टी की जगह टी की वैल्यू हमको ये रखना, भी माइनस यू, क्या बेटा, भी माइनस यू, भी माइनस यू, टी की जगह अपन रखना भी माइनस यू अपॉन ए, अपॉन ए बेटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ मतलब होता है प्लस, हाफ मीन्स हो गया एक बटे दो, ए टी स्क्वायर बेटा, ए है ना। अब टी की जगह भी अपने को क्या रखना पड़ेगा, भी माइनस यू अपॉन ए, भी टी की जगह हमको रखना बेटा, भी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर बेटा।
अब इसको स्क्वायर को सॉल्व करेंगे बेटा, आगे देखिए अपन ध्यान से देखिएगा सवाल, पेपर में गारंटेड है 9th और 10th में पूछेगा। देखिए बेटा इतना तो आपको आ गया होगा, अब हम यू का गुणा अंदर करेंगे तो भी यू बनेगा, भी यू बनेगा माइनस यू को गुणा यू में तो यू स्क्वायर बनेगा, अपॉन में ए है तो अपॉन में ए बन गया, प्लस है प्लस लिख दिए, 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, ए है भी माइनस यू का होल स्क्वायर है क्या बेटा, भी माइनस, तो भी माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, अपॉन में ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा, स्क्वायर से ए को अपन काट दिए, बचा क्या अपने पास, भी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए बचा अपने पास, प्लस 1/2 भी माइनस, 1/2 भी माइनस यू का होल स्क्वायर बचा अपने पास, और बेटा ए बचा, क्या बचा बेटा ए बचा, इतना पल्ले पड़ा यानी समझ में आया। अब इसी को हम यहाँ पर जगह नहीं है, अब हम आगे बताने जा रहे हैं, अब आगे हम बता रहे हैं बेटा यहाँ जगह नहीं है इसलिए। देखिए बेटा भी माइनस यू है तो भी माइनस यू लिख दिए, भी माइनस यू, अरे भी यू नहीं, सॉरी बेटा सॉरी सॉरी, भी यू लिखा है, भी यू माइनस यू स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस 1/2 भी माइनस यू का होल स्क्वायर, क्या बेटा भी माइनस यू का होल स्क्वायर, देखिए भी माइनस यू का होल स्क्वायर यानी कहने का मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो वही फार्मूला अपन यहाँ पर रख देंगे। तो बेटा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 भी और यू बन जाएगा, 2 भी और यू अपॉन, अपॉन में ए है तो ए रख दिए बेटा। एनी डाउट्स यहाँ तक? नो डाउट्स होगा मेरे अंदाज से। अब आगे अपन देखते हैं इक्वल टू अपना चलता जाएगा, भी माइनस यू प्रॉब्लम के कारण यहाँ पास कुछ दिक्कतें आ गई थी अपने लैपटॉप पर, अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए भी माइनस भी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस 1/2, अब 1/2 नक मत करिए, 1 का मल्टीप्लाई अंदर सभी में करेंगे तो वही यही तो खास आदत है, अगर हम 1 का किसी भी संख्या पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान हमारे पास वही मिलता है बच्चा, ये हमको वही मिल गया। अब इसको करेंगे 2a मिल गया, क्या मिला बेटा 2a मिला बेटा, संभावना है कि यहाँ तक समझ में आया होगा, 2a और a को वो लेंगे क्या बेटा एलसीएम लेंगे तो अपने पास 2a आएगा, क्या बेटा 2a आएगा, क्या आएगा बेटा 2a आएगा। अब देखिए 2a, a से a कटा बचा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई सभी लघुत्तम लेते बनता होगा ना बेटा आप लोगों से ना, मेरी आशा है कि ना बने तो बताइएगा, एक एक्स्ट्रा सी क्लास लगा दूंगा, 2 भी u माइनस 2 u स्क्वायर प्लस 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, ये अपना नीचे आ जाएगा, भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 भी u बेटा। अब देखिए बेटा हाँ 2 भी u प्लस का है, 2u भी प्लस का है और ये माइनस का है, चलेगा इलाहाबाद में, मीन्स कहने का मतलब कट गए, क्या बेटा कट गए, चलेंगे धारा धारा बेटा, बचा -2u² क्या बचा बेटा माइनस का 2u² बचा, प्लस भी स्क्वायर बचा, क्या बचा बेटा भी स्क्वायर बचा, प्लस में यू स्क्वायर बचा बेटा, क्या बचा बेटा प्लस में यू स्क्वायर बचा, अपॉन में बेटा 2a बचा, क्या बचा अपॉन में बेटा 2a बचा। अब एक चीज ध्यान होगा आप लोगों को कि बेटा यहाँ पास s दिया हुआ है, यस ये देखिए ये यस यस यहाँ भी रहेगी, सब पूरे जगह s आ रहा, क्या आ रहा है बेटा s, ये चलता चला आ रहा पूरे हर से, यहाँ से आ रहा बेटा ये भी यस, ये यस चलता चला है यहाँ तक अपने पास, तो s बराबर अब देखिए बेटा माइनस का 2u² और प्लस का यू स्क्वायर, 2u² में यू स्क्वायर घटाओगे तो यू स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा माइनस का मिलेगा, माइनस का यू स्क्वायर, लेकिन हम इसको भी स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, क्या कि हमको प्लस जरूरी लेना रहता है, तो
बी स्क्वायर प्लस का पहले आ गया और माइनस का यू स्क्वायर बन गया। कहाँ से बन गया बेटा? 2u² में एक यू स्क्वायर को घटा दिए तो यू स्क्वायर बन गया अपॉन 2a। क्या बेटा? 2a बचा। s में बटे एक रख के तिरिया का गुणा कर देना। क्या बेटा? तिरिया का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पास में बता रहा हूँ बेटा। देखिए अब 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिलेगा। अब 2a का गुणा s में करेंगे तो 2as। क्या बेटा? बराबर 2as। देखो बेटा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर बेटा, पक्षांतर करो तो फिर इसमें जाएगा। पहले से पता है माइनस का चिन्ह प्लस में पक्षांतर होता है, प्लस का माइनस में होता है। तो बेटा माइनस का यू स्क्वायर पक्षांतर करोगे तो प्लस का आएगा। हाँ हेलो फ्रेंड्स, देखिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, समझते हैं। आज नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए लैपटॉप में कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो वी स्क्वायर बराबर माइनस का यू स्क्वायर है, पक्षांतर करोगे प्लस में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? प्लस यू स्क्वायर प्लस में जाएगा, लेकिन प्लस आगे लिखा नहीं जाता बेटा, ध्यान रख लेना, गलती ऐसी ना कर देना। यू स्क्वायर तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। अब प्लस 2as। क्या बेटा? 2as। ध्यान देना बेटा, यही तो हमको प्रूफ करना था। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमको प्रूफ करना है बेटा। अब हम 2 मिनट के अंदर पूरा समीकरण एक बार फिर से रिवाइज करा रहे हैं, एक बार फिर से पुनः रिवाइज करा रहे हैं बेटा, ठीक है ना? ध्यान देना बेटा। तो गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया, अगर तू कोकनो को एक फुआका मर लू तो दूसर बोला तुमको एक फुआका मरे लू, ऐसा न करे लू। इसीलिए बोलते प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होती है। गणितीय व्यंजक वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां भी अंतिम वेग यू प्रारंभिक वेग, ए त्वरण, टी समय, एस मीन्स विस्थापन। द्वितीय नियम से एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। प्रथम नियम से वी बराबर यू प्लस ए टी, समीकरण नंबर 2, जिसमें से देखो बेटा भी यही है, प्लस का यू है पक्षांतर किए माइनस में आ गया, गुणा में है तो भाग में ए आ गया, बराबर टी, मीन्स हमको टाइम निकाल दिया था। समीकरण नंबर 3 निकाले, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर जब हम जहां जहां टी है वहां वहां भी माइनस यू अपॉन ए रखना है, एस बराबर यू, ये देखिए समीकरण 2 3 में रखना था ना, 1 में, तो आ गया यू भी माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 ए भी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर बेटा। अब बी माइनस यू इसका सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करने के बाद ये आ गया। इसके बाद अपना ये क्रॉस मल्टीप्लाई की, यहाँ पास ये अपना क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। बड़ा थोड़ा है, बड़ा मन, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, प्राणी तू निश्चित करे अपनी तू लिखी तकदीर। जय हिंद जय भारत मेरे साथियों, अगर आप मेरे साथ हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर माई फ्रेंड्स।